हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज़ टॉपिक इज़ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, चैप्टर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मींस होल स्क्वायर कंप्लीट करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। इसे हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट करना, तो जैसे कि एक्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करना। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जांपल को हम दो मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है हमारा इसमें जो सेकंड मेथड है उससे उसके ऊपर बेस्ड हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को भी ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट मेथड हम देख रहे हैं यहाँ पर 3x² - 5x + 2 = 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट है 3। 3 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर जैसे कि 1, 4 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसके बाद 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मीन्स 3 का स्क्वायर 9, फिर 16 है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो हैं वो 1, 4, 9, 16 मीन्स ये किसी नंबर का स्क्वायर करने पर आते हैं, 25 एंड सो ऑन। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाने के लिए 3 को 9 में चेंज करना है, मीन्स इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हेयर कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3, क्योंकि 3 है तो 3 इसको 9 में ही बदला जा सकता है। अब तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा, तो पूरी इक्वेशन को ही 3 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वी गेट 9x² - 15x + 6 = 0। तो स्टूडेंट्स, इसका जो मेथड है, मेथड में हर एक स्टेप को आप ध्यान से देखें, इसको याद रखना है हर एक स्टेप कैसे हो रहा है। तो पहले तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट जो है उसको हम परफेक्ट स्क्वायर में चेंज किए हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ पर जो है पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया गया है 3 से, तो ये इक्वेशन बन गई 9x² - 15x + 6 = 0। अब 9x² को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर। 3x होल स्क्वायर = 9x² बनेगा, माइनस यहाँ पर क्योंकि यहाँ माइनस साइन है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2 के साथ ए के स्थान पर है 3x इंटू बी। अब बी जो है यहाँ पर ये 15 देख रहे हैं हम, 15x, तो बी की वैल्यू यहाँ से 3 × 5, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15x बनता है। तो बी हो गया 5, क्योंकि ये 2 हम अपनी तरफ से यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं तो इसको डिवाइड भी करेंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। मिडल टर्म को, इस मिडल टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इक्वल टू 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस 6। अब इस स्टेप को एक बार फिर से ध्यान से देखें, 9x² को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर,
क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, तो ये ए माइनस बी होल स्क्वायर बनाएंगे इसको, कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर तो बन गया, ए स्क्वायर के बाद होता है माइनस टू ए बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस टू, टू अपनी तरफ से मल्टीप्लाई किए हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू, मिडल टर्म को इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय टू करेंगे। और ये जो 15x है इसको हम इस तरह से करके लिख देंगे 3x इंटू 5। अब 3x इंटू 5 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3x a की वैल्यू को शो करता है, a, तो यहाँ पर 3x 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 इंटू 5 15x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 6 इधर आ जाएगा, वापस हमें वही इक्वेशन मिल जाएगी। अब बचा बी स्क्वायर, या तो बी स्क्वायर को नेक्स्ट स्टेप में हम कंप्लीट करते हैं। 3x स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये जो b है इसको दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड कर दिया जाएगा। ये जो b है b, इसको प्लस बी स्क्वायर, तो ये यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर कंप्लीट हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऐड किए हैं अपनी तरफ से, तो दूसरी तरफ यानी इक्वल टू के दूसरी तरफ भी इसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस सिक्स था तो ये माइनस सिक्स यहाँ पे है, ये यहाँ पर प्लस के साथ, प्लस साइन के साथ ऐड हुआ है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, मतलब कि इस स्टेप से ऊपर के स्टेप में जाना हो, तो ये दोनों, ये उस तरफ जाकर माइनस होकर दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, वापस हमें वही इक्वेशन मिल जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं, ये बन गया है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, मीन्स इसको होल स्क्वायर बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी, बी है 5/2, इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में ये सॉल्व कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, माइनस सिक्स, इसका एलसीएम लिया जाएगा 4, 25 माइनस 24, 4 एलसीएम आएगा, तो 4 6 24, तो 25 माइनस 24, यहाँ पर ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो चुका है, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो ये बन जाएगा 1/4, 25 माइनस 24, 1/4। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर बन गया है इक्वल टू 1/4। तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमें एक्स की वैल्यूज़ फाइंड हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। तो स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाकर अंडर रूट बनाएगा, तो ये अंडर रूट बनाकर प्लस माइनस दो वैल्यू देगा, अंडर रूट 1/4, 1/2 होगा, अंडर रूट सॉल्व करना हमें सभी को आता है, अंडर रूट 1 1 होता है, अंडर रूट 4 2 होता है, और स्क्वायर जब अंडर रूट बनता है तो प्लस माइनस दो वैल्यूज़ देता है। इसको हम पुरानी वीडियो में बता चुके हैं कि प्लस माइनस का साइन क्यों आता है। आगे हम प्लस और माइनस के साइन के साथ इस इक्वेशन को सेपरेट कर देंगे, 3x-5/2 इक्वल टू 1/2, ये +1/2 है, 3x-5/2 इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं +1/2 के साथ इस इक्वेशन को यहाँ लिखा गया, और डालकर -1/2 के साथ इस इक्वेशन को यहाँ लिखा गया। आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 5/2 उस तरफ जाएगा तो माइनस से प्लस होगा, तो ये बनेगा 5 प्लस 6/2, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 3, तो एक्स इक्वल टू 3/3, एक्स इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये प्रोसीड किया जाएगा, 3x इक्वल टू 5/2 माइनस का है, दूसरी तरफ प्लस का हो जाएगा, 5/2 -1/2, और
थ्री एक्स इक्वल टू फाइव माइनस वन फोर अपॉन टू, और थ्री एक्स इक्वल टू 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 ज़ा फोर कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, और x इक्वल टू टू अपॉन थ्री। तो इस तरह से x की दो वैल्यूज़ आ गई, x इक्वल टू वन, x इक्वल टू टू अपॉन थ्री। देयरफोर द रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन, द रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशंस आर वन एंड टू अपॉन थ्री। तो अगर हम x की वैल्यू वन या टू अपॉन थ्री इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वल टू ज़ीरो आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है क्लास टेंथ इलेवेंथ ट्वेल्थ और आगे फर्दर एमएससी तक ये मेथड यूज़ होगा। तो मेथड ऑफ, या इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ होता है, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर। इसका फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व किया है जिसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को परफेक्ट स्क्वायर बनाया गया है। नेक्स्ट अब हम इसको सेकंड मेथड से करते हैं, वो भी मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर ही है, लेकिन उसको कुछ अलग तरीके से हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर को दूसरे मेथड से करते हैं। तो सेकंड मेथड है इसका, जैसे कि एग्जांपल है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन, इसके रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट हम देख रहे हैं 3 है, तो एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशेंट है पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दिया जाएगा, डिवाइड द गिवन इक्वेशन बाय 3। थ्री से हम पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट 3 है। तो 3x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस 5 अपॉन 3x प्लस 2 अपॉन 3। तो यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 3 एक्स इक्वल टू 2 अपॉन 3 को इस तरफ ले आते हैं, माइनस 2 अपॉन 3। अब बिल्कुल वही मेथड है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे यहाँ पर, और 2 से इसको मिडल टर्म जो थी हमारी इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर मतलब कि एक्स ए की वैल्यू है ए इंटू 5 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ 2 मल्टीप्लाई किए थे तो नीचे से यहाँ डिनोमिनेटर में 2 ये डिवीज़न में आएगा। अब फिर से इसको एक बार देख लेते हैं, जैसे कि हमें यहाँ माइनस साइन है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, अगर प्लस साइन होता दोनों में ही प्लस साइन रहता तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनता। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, यहाँ पर ए की जगह पर एक्स है, ए का स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस टू ए, ए की जगह पर एक्स आएगा मीन्स ये वाला एक्स यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 अपॉन 3, क्योंकि यहाँ पर 2 अपनी तरफ से लगाए हैं तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो कहने का मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स है 5 अपॉन 3 यहाँ पर है, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब 2 को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो वापस हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे इस इक्वेशन तक। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 अपॉन 6, 5 अपॉन 3 टू ज़ा 6। अब यहाँ पर कंप्लीट करना है बी स्क्वायर को, बी स्क्वायर यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो बी को दोनों तरफ ऐड कर दिया जाएगा, 5 अपॉन 6 का स्क्वायर इक्वल टू 5 अपॉन 6 का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 2 अपॉन 3 पहले से ही था, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पर ये अपनी तरफ से हम ऐड किए हैं इसका स्क्वायर तो इक्वल टू में भी उसको रखना पड़ेगा,
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे माइनस होकर वापस हम इस इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे। तो आगे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स माइनस फाइव अपॉन सिक्स का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं, फाइव का स्क्वायर 25, सिक्स का स्क्वायर 36, माइनस टू अपॉन थ्री। 36 एलसीएम आएगा, 25 माइनस 12 थ्री ज़ा 36, तो 12 टू ज़ा 24। एक्स माइनस फाइव अपॉन सिक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24, वन अपॉन 36। तो स्क्वायर को दूसरी तरफ अंडर रूट बनाया जाएगा, तो ये बनेगा प्लस माइनस वन अपॉन सिक्स। अंडर रूट वन अपॉन 36, वन अपॉन सिक्स होता है क्योंकि अंडर रूट प्लस और माइनस दो साइन देता है। तो अब प्लस वन अपॉन सिक्स के साथ इक्वेशन को अलग करेंगे, माइनस वन अपॉन सिक्स के साथ अलग करेंगे, इक्वल टू प्लस वन अपॉन सिक्स, एक्स माइनस फाइव अपॉन सिक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन सिक्स। एक्स इक्वल टू ये दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, मीन्स फाइव अपॉन सिक्स प्लस वन अपॉन सिक्स, और यहाँ पर ये भी माइनस में है, दूसरी तरफ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा, और माइनस वन अपॉन सिक्स पहले से ही था। एक्स इक्वल टू फाइव प्लस वन सिक्स अपॉन सिक्स, एक्स इक्वल टू फाइव माइनस वन फोर अपॉन सिक्स, एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू कैंसिल आउट करेंगे टू से, टू अपॉन थ्री। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं दूसरे मेथड से भी हमारी वैल्यूज़ सेम आ रही हैं, एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू टू अपॉन थ्री। देयर फोर द रूट्स ऑफ द गिवेन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो दो रूट होंगे, क्वाड्रेटिक में दो रूट होंगे। अगर लीनियर होती तो एक ही रूट आता या एक ही सोल्यूशन आता, अगर क्यूबिक होती तो इसके तीन रूट या तीन सोल्यूशन बनते। फर्दर वैसे ही डिग्री के हिसाब से होगा। इसमें अब जो सेकंड मेथड हम यूज़ किए हैं इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या जिसको श्रीधराचार्य फार्मूला कहते हैं उसको अगले अगले नेक्स्ट वीडियो में हम प्रूफ करेंगे।